अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। आपने विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो का एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जिसमें सेना के एक अधिकारी कमांडो के बारे में कुछ कहते नजर आते हैं कि एक कमांडो वो होता है जो हजारों फीट ऊंचाई से छलांग लगाने से भी पहले नहीं सोचता। एक कमांडो वहां पहुंच सकता है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती। 22 अलग तरीके की बंदूकें चलाना, 65 किलोमीटर के वजन को लेकर ट्रेनिंग करना, समुद्र की गहराई तक जाना, ये सब एक कमांडो के लिए आम बात है। जहां लोग सेना लेकर जाने से भी घबराते हैं, उस जगह को देश को वापस दिलाता है कमांडो। हजार नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 में से एक ही कमांडो बनता है। दुनिया की तमाम देशों के पास अपनी खास कमांडो फोर्स होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश रूस, अमेरिका और चीन के पास अपने स्पेशल फोर्स है, या कहें कमांडो फोर्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत इन सब में कोई पीछे नहीं है और भारत के पास भी इन्हीं देशों की तरह अपनी स्पेशल फोर्स है जो दुश्मन के लिए काल है। कमांडो का असल काम आतंकवादी हमला रोकना, हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना है। आइए बात करते हैं भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस के बारे में। मार्कोस कमांडो फोर्स। भारतीय कमांडो फोर्सेस में सबसे ज्यादा तेज और खतरनाक कमांडो फोर्स मार्कोस कमांडो फोर्स है। इन्हें भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। अमूनन इन्हें नेवी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये जमीन से लेकर आसमान तक कहीं पर भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। फोर्स का निर्माण साल 1987 में हुआ था। इसके पास बेहतरीन स्नाइपर होते हैं, उन्हें दुनिया के तमाम आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कई तरह के असॉल्ट राइफल चलाने में भी माहिर है। कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो का गठन साल 2008 में हुआ था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है। इनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। आमतौर पर इन्हें गुरेला ट्रेनिंग और नक्सल वॉरफेयर के लिए तैयार किया जाता है। इनकी गिनती दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में की जाती है। राष्ट्रपति भवन और संसद समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 कमांडो हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जब भी हमारे देश पर आतंकवादी हमले हुए हैं, फिर चाहे वो अक्षरधाम मंदिर का हमला हो या फिर 26/11, NSG ने ही आतंकवादियों को ढेर किया है। इन्हें 1984 में बनाया गया था और इन्हें देश का ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। NSG में अभी तक 10,000 कमांडो मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त कहीं भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं, और इन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। इसमें देश के किसी भी सैन्य बल से या पुलिस से जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। यह VIP सुरक्षा, हाईजैकिंग रोकने और बम का पता लगाने जैसे कामों के लिए तैनात किए जाते हैं। पैरा SF कमांडो। पैरा SF कमांडो को पैरासूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक इसी कमांडो विंग ने की थी। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जो कि बहुत कड़ी होती है। पैरा SF के जवानों की निशानी लाल टोपी होती है। इनके ट्रेनिंग में काफी सैनिक शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही पैरा SF में अपना नाम दर्ज करा पाते हैं। इनके ट्रेनिंग में इन्हें 30,000 से 35,000 की फीट से छलांग लगाई जाती है। अभी तक देश में 9 पैरा SF बटालियन मौजूद हैं। गार्ड कमांडो। यह भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स का निर्माण 2004 में किया गया था। इनका मुख्य काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन करना है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों तक चलती है, जो सभी गार्डों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले जय हिंद।